नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आगरा की खबर। आगरा के थाना जगदीशपुर में 17 अक्टूबर को मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी अरुण की पुलिस हिरासत में मौत। पुलिस ने मंगलवार को पकड़ा था आरोपी सफाई कर्मचारी। पूछताछ के दौरान हुई सफाई कर्मचारी की मौत। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल भेजा था आरोपी सफाई कर्मचारी। परिवारजनों ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने परिवारजनों की तहरीर पर कही जांच कर कार्यवाही की बात कही। एहतियातन थाना जगदीशपुरा छावनी में तब्दील। सर, पीएस जगदीशपुरा में 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी, उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है, क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457-380 में। और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोगों के लिए के थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम का व्यक्ति को पुलिस लिया है, उनसे पूछताछ किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया हमने घटना का किया है, अंजाम दिया है और हमने पैसा घर पे रखा हूं। और उसके आधार पर पुलिस ने उनका घर पे ले जाके पुलिस ने घर पे जाके रिकवरी किया 15 लाख रुपए पैसा। और पैसा रिकवरी करते समय उनका अचानक तबीयत बिगड़ा है और उसके बाद तुरंत पुलिस और उनका परिवारजन साथ में उसका हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल लेके भागते हुए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट घोषित किया है। वो सूचना हमको मिलते हुए मैंने तुरंत डीएम से रिक्वेस्ट किया, उसका पंचायत में वेस्टेट के माध्यम से होना है और साथ साथ पैनल कंसर पीएम कराने के लिए एज पर इमरजेंसी गाइडलाइंस मैंने तुरंत रिक्वेस्ट किया है। उसके साथ साथ उनका परिवारजन का तरफ से एक FIR एप्लीकेशन दिया है पुलिस के ऊपर, उन्होंने कर सकता और पुलिस की कार्रवाई की वजह से इनका मृत्यु हो गया। उसके आधार पर पुलिस FIR दर्ज कराया, FIR दर्ज करके एज पर PM रिपोर्ट और आगे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आगे कानूनी कार्रवाई करेगी।